हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास अगर मंत्रा की L1 नई वाली डिवाइस MFS11 ये वाली डिवाइस है तो इसे हम कैसे अपने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकेंगे। आप में बहुत सारे लोग कंप्यूटर बहुत ओल्ड पीसी हो जाते हैं, 5 साल 6 साल कई कई के तो 10 साल पुराने सिस्टम है जिसमें काम बखूबी करते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट डिवाइस को वर्क नहीं कर पाता है। और ये नई डिवाइस आई है, साल भर हुए इसे लॉन्च हुए और इसे इस्तेमाल किस प्रकार कर सकेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना किसी दिक्कत का हम समझने वाले। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमारे पास मैंने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अपने विंडोज 10 में एनटीएक्स से ले रखा, दोनों सिस्टम मेरे सामने जो आपको देखने को मिल रहा है मैंने एनटीएक्स से इसे कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए मुख्यतः हम इसे 5 अलग अलग स्टेप्स में पूरा करें ताकि आप किसी भी स्टेप्स को मिस ना कर सको, वीडियो को स्किप ना कर सको और स्टेप में सब चीज प्रोसेस करें आपकी डिवाइस सक्सेसफुली वर्क कर सके। तो देखिए सबसे पहली बात है कि विंडोज 7 में हर विंडोज में काम नहीं करेगा, आपके पास जो विंडोज 7 सर्विस पैक 1 होनी चाहिए। ये मेरा देखो प्रॉपर्टी जगह दिखाऊं तो यहाँ पे विंडोज 7 सर्विस पैक 1 यहाँ पे दिख रहा है, विंडोज 7 प्रोफेशनल है। तो देखिए इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ड्राइवर वगैरह चाहिए, वो हम सारे स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप फॉलो करते हुए करेंगे। पहला स्टेप में आपको ये करना है कि आपने मेरे वीडियो देखने से पहले कोई ना कोई कोशिश तो की इंस्टॉलेशन करने का, तो आपने कोई तरह का ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है तो उसे जरूर अपने कंप्यूटर में जाकर अनइंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर आ जाए क्योंकि एकदम नया है मेरा, तो मैंने कोई भी इंस्टॉल नहीं किया है। आप अगर कर रखे हो तो उसे क्लिक कर अनइंस्टॉल, यहाँ से मंत्रा के ड्राइवर एक एक कर यहाँ से अनइंस्टॉल कर लिए, पहले स्टेप में आपको कंप्लीट कर लेनी है। दूसरे स्टेप क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के ड्राइवर के अंदर आने जहाँ पे सी ड्राइव डी ड्राइव जो होती है इसमें सी ड्राइव अंदर आना और यहाँ पे आपको देख लेनी है किसी भी तरह की मंत्रा कोई फाइल यहाँ पे ना रहे। अगर मंत्रा कोई तरह की फाइल यहाँ दिख रही है उसे जरूर सिलेक्ट कर डिलीट यहाँ से कर लिए, सेकंड स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे। इसका थर्ड स्टेप में आपको अपने विंडोज पे परसेंटेज ऑफ टेम्प सर्च करना, परसेंटेज TEMP फिर परसेंटेज, यहाँ पे एक टेम्प का फोल्डर आ जाएगा, इस टेम्पररी फोल्डर में जितने भी फाइल आपको दिखते हैं सेलेक्ट ऑल कर यहाँ से डिलीट कर लेनी है, जो डिलीट ना होती हो उसे स्किप यहाँ जरूर कर ले। यहाँ तक आपका थर्ड स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप में करना है कि आपके कंप्यूटर के डेट एंड टाइम, ये मैं विंडोज 7 के लिए बता रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को जो मैं बता रहा हूँ चाहे आपका जो भी विंडोज हो, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, आप सभी पे ये सारे स्टेप में बता रहा हूँ करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सिंपली आपको डेट एंड टाइम पे राइट क्लिक करना है, एडजस्ट डेट एंड टाइम के अंदर आ जाने, यहाँ आने के बाद आपके सामने इस प्रकार एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज आपको टाइम जोन जो है वो चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली ही होनी चाहिए, यानी इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। UTC+530 GMT चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली अगर नहीं है तो चेंज कर आप इसे यही कर ले। एंड इनके साथ ही साथ आपको यहाँ पे राइट में इंटरनेट टाइम जोन क्लिक कर चेंज सेटिंग के अंदर आकर यहाँ पे आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर रहे हो और जब ये काम कर रहे हो आपके नेट से जुड़ा होना चाहिए आपका पीसी, यानी इंटरनेट होनी चाहिए, वाईफाई वगैरह से नेट जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे टाइम को लोग सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर यहाँ पे इसे आपका यहाँ पे फोर्थ स्टेप कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आती है फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में आपको चाहिए इसकी ड्राइवर्स और विंडोज 7 स्पेशल ड्राइवर्स का कुछ स्पेशल ड्राइवर भी चाहिए तभी एक वर्क करता है। तो ड्राइवर के लिए आप सिंपली वही करते जो मैं भी करता हूँ कि आप यहाँ पे मंत्रा की जो वेबसाइट है मंत्रा RD सर्विस वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ से दो ड्राइवर जो होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप मंत्रा वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे L1 वाली चाहिए आपको MFS110 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइवर के अंदर ये एक 4F83 MB के 1.1.0 और RD सर्विस के अंदर 1.0.3 विंडोज RD के दो डाउनलोड करते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरे YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन या इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जाए, यहां पे अबाउट सेक्शन के अंदर आपको यहां पे मंत्रा MFS L1 की मैं ड्राइवर दे रखा हूं, ये 5 फाइल के ड्राइवर जो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है और स्पेशली आप जिस भी विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो ये मेरे तरीके से करोगे ना आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, जिसमें से 2 फाइल मंत्रा की जरूरत है ही, चाहे आप वेबसाइट से करो या मेरे ड्राइवर मैच कर रहे हैं, अगर अपडेट अभी कोई नया ना आया हो तो मैच कर लेना वो भी कर सकते हो। उसके साथ 3 जो फाइल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है जो आपको करनी जरूरी है अगर विंडोज 7 वाले हैं तो, बाकी आपके विंडोज 10 वगैरह तो स्किप, एक फाइल नेट फॉर्म कर सकते, क्या है मैं आगे बताता हूँ। जब आप इसे क्लिक करोगे सिंपली आपको गूगल ड्राइव खुल जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली इसे डाउनलोड 5 फाइल की जो फाइल है इसे डाउनलोड इजिली कर लेनी है। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे मेरा मंत्रा L1 है लेकिन ये एक तरह का वायरस दिख रहा है, मैं इसे सो फोल्डर भी करूँ तो यहाँ पे मेरा ये खुलेगा ना एक वायरस की तरह दिखता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको WinRAR गूगल पर सर्च कर लेनी है और एक सॉफ्टवेयर होता है उसे डाउनलोड कर लेना, इस पर WinRAR मेरे पास यहाँ पे 64 बिट की, इसे आप सिंपली क्लिक कर अगर आपका मंत्रा जो मैं फाइल दिया वो वायरस तरह दिख रहा है तो इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे आप इंस्टॉल कर ओके करोगे ना
उसके बाद सेम वही फाइल आपको देखो यहाँ पे मंत्रा L1 दिखने लगे। इसके क्या करना है, राइट क्लिक कर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेनी है। एक्सट्रैक्ट जैसे आप करोगे यहाँ पे आपको टोटल 5 फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये टोटल 5 फाइल, जिसमें से 2 फाइल आपके मंत्रा के ड्राइवर जो आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करो, या यहाँ पे मेरे वाले अगर अपडेटेड उस समय तक है जब वीडियो आप देख रहे हो मिल जाती है। तो इन दोनों को सबसे क्या करना, मैं आगे बताऊँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट फार्मवर्क स्पेशल विंडोज 7 वाले के जरूरी ही जरूरी है, राइट क्लिक कर यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर इसे अपने विंडोज 7 में इंस्टॉल कर ही लेनी है। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है लेकिन आप इस काम को जरूर कर ले। अगर आपको लगने लगे नेट फार्मवर्क बहुत टाइम ले रहा है, डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट मारे। उसके बाद आप देखोगे अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके वो इंस्टॉल प्रोसेस कंप्लीट नहीं भी होता है, कोई दिक्कत है, नेट फार्मवर्क यहाँ पे आपका इंस्टॉल दिख जाएगा। कभी कभी ग्लिच होने के कारण ये इंस्टॉल ही लेगा, घूमता रहेगा सेकेंड पार्ट में। अब नेट फार्मवर्क तो इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास कितने सब ड्राइवर थे, टोटल मिला के 5 पे से हमने एक कर लिया है, नेट फार्मवर्क हो गया। अब क्या है VC रजिस्टर, ये बहुत जरूरी चीज है, आप अगर जानोगे देखोगे क्या है। तो अगर आप अपने ड्राइवर को इंस्टॉल करोगे तो जैसे ही इंस्टॉल करने जाओगे ना, तो आप देखो यहाँ पे 2 फाइल आपको दिखेंगे एडिशनल टास्क के अंदर, विजुअल C++ 2013, विजुअल C++ 2015-19, यही वो 2 सॉफ्टवेयर जो मैं यहाँ पे आपको दे रखा हूँ, विजुअल VC रजिस्ट 86 करके। आप बोलोगे कि हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये क्यों जरूरी है, इससे जरूरी है कि आप जब इसे प्रोसेस करोगे उसी समय ऑनलाइन डाउनलोड लेगा आपके नेट के थ्रू। अगर कोई तरह का बग एरर मिल जाए तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, डाउनलोड होगा इंस्टॉल नहीं होगा, दिक्कत आएगी। तो दिमाग क्यों लगाना, आपको सिंपली ये 2 फाइल को राइट क्लिक कर एक एक कर आप इसे इंस्टॉल, बहुत ही आसान छोटा सा फाइल है, क्लिक करोगे कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। ये इंस्टॉल आपका ये दोनों को कर लेनी है। मैं करके फिर इसे आपको खोल दिखाऊंगा, ये जो ऑप्शन दिखा रही C++ ये ऑप्शन हट जाएगा, डाट इंस्टॉलेशन ऑप्शन आने लगेगा। तो हमारा पहले वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, हम दूसरे वाले को भी यहाँ पे इंस्टॉल करने की प्रोसेस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे दोनों इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है आपको, देखिए मंत्रा के सबसे पहले MFS110RD सर्विस इसे इंस्टॉल करनी है। ख्याल रखे जो 1.0.2 इसे राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर इसे इंस्टॉल कर लेनी, काफी आसान सा है, सिंपल इसे आप इसे नेक्स्ट कर इंस्टॉल कर लोगे। कुछ पॉपअप आएंगे उसे आपको यहाँ पे वेट कर लेना, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट साइड में मंत्रा MFS110 की एक पॉप आ जाएगी जो आपको डिवाइस लगाने वाले पे आता है, इसके लिए RD मैनेजमेंट टूल यहाँ पे आ जाना चाहिए। काफी अच्छी बात है, अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपके PC में काम करने के लिए लगभग तैयार है। उसके फिनिश करेंगे इसके जो अभी हमने जो ट्राई किया, जिसने 2 फाइल एडिशन मांगा था उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे मंत्रा 110 ड्राइवर को। इसे हम राइट क्लिक कर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो अभी मांगा था वो 2 एडिशनल फाइल जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसके पहले वाले डिस्प्ले जिसमें ये दोनों मांग रहे थे, मैंने मैनुअली इंस्टॉल कर लिया तो ये दोनों नहीं मांग रहा है। अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं और हमारा ये भी इंस्टॉल सही से यहाँ पे बिना की दिक्कत, एक पॉप अगर आए विंडोज 7 में आती है तो नीचे वाला इंस्टॉल द ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे इस पे क्लिक करके आपको एक दो बार अगर आए तो क्लिक कर देनी, इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका इसका भी इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए, इसे आप फिनिश कर दें। इसके बाद आती है आपकी ये मंत्रा L1 डिवाइस को अपने विंडोज 7 के साथ कनेक्ट करना, वो भी मेन USB हब में, किसी भी एक्स्ट्रा जो हब होती है ना जिसमें एक मिलाएगा 4 अलग अलग USB लगा सको, इसमें नहीं करना है। आपके लैपटॉप कंप्यूटर के जो मेन मदरबोर्ड से जुड़े हुए हब है उसमें कनेक्ट करता। तो मैं अपने इस मंत्रा को विंडोज 7 SP1 पे डायरेक्ट USB हब में लगा रहा हूँ, यही फाइनल चीज मेरा काम करेगा नहीं करेगा ये बताएगा। तो मैंने कनेक्ट किया, हमारी लाइट कुछ जल के हटती है, जला है, अब वहाँ पर कनेक्ट लिया, इंस्टॉलेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, मंत्रा L1 आ गया, यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आ गया और हम वेट करेंगे फार्मवर्क रेडी टू यूज, यानी विंडोज 7 में हमारा ये रेडी टू यूज मैंने कर दिखाया। लेकिन अब क्या ये काम करेगा, चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। सिंपली CSC का पोर्टल भी से देखते हैं हमारा ये वर्क भी करेगा या ऐसा ही सुख लेकर हो गया है। तो हम यहाँ पे CSC पे जो रजिस्टर उसमें प्रोसेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे डिवाइस को फाइंड किया जा रहा है। अगर यहाँ पे मेन चीज यही है, मैंने टेस्ट करने का, अगर यहाँ काम कर गया हमारा डिवाइस हो चुका है और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट का, जो क्लिक कर सामने आपकी डिवाइस देख सकते हैं और यहाँ पे लाइट भी जल रही है, पुट फिंगर कर रहा है और जैसे फिंगर में रखूँ यहाँ पे लाइट जली है, फिंगर हमारा यहाँ पे कैप्चर भी ले लिया और आगे प्रोसेस यहाँ विंडोज 7 में यूज कर रहा हूँ। ख्याल रखिए मैं ये नई डिवाइस को विंडोज 7 पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा CSC का पोर्टल भी खुल गया जो हम सेटिंग इसे खोलते हैं वहाँ पे। अगर आपके पहले से विंडोज 7 सर्विस पैक 1 है और आपने ये प्रोसेस किया, क्या आपका वर्क किया नहीं किया, मुझे नीचे आप जरूर कमेंट करके बताएं। ताकि आपको विंडोज 10 या 11 पे आपको चलाना अपनी मंत्रा के नए L1 डिवाइस को तो किस तरह चला सकते हैं, एंड इस मंत्रा L1 डिवाइस की वो इशू जो आपको L0 से L1 शिफ्ट करने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी वो क्या है, सामने आपको वीडियो देखने में लोग चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.